हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज आपके लिए दूसरा लेक्चर आ रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस लेक्चर को शुरू करने से मैं पहले क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉल करवा देता हूँ जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट एक लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, जो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसका मैंने एक लेक्चर दिया। और उस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि आपके पास एक अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला मैंने ड्राइव करवाया था वी कल्टू वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इनटू क्यू अपॉन आर। इसके बाद सेकंड लेक्चर मैंने बताया, उसमें आईटीजी मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए। और इसके बाद तीसरा लेक्चर मैंने बनाया था कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने लर्न किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल सिमिलरली क्या होता है, वैसे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वहां पे मैंने उसको भी बताया। यानी कि करंटली हमारे तीन लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। और आज चौथा लेक्चर आ रहा है लेकर, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो यानी कि अब कुछ ऐसा पढ़ना है आप लोगों को कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और पोटेंशियल भी आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रीवियस चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, यानी कि हर एक चैप्टर दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अगर वो जुड़ा ही नहीं होता तो उसको हम पहले क्यों देते, उसको बाद में भी दे सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एवरी वन चैप्टर इज लिंक टू ईच अदर, ठीक है। हर एक चैप्टर का क्या होता है, स्टेप होता है, और जिससे हम क्या करते हैं प्रीवियस वन को जब सीख लेते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रमोट करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप सोचते हैं कि फिजिक्स के टॉपिक हमको आसान लगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाए, तो प्लीज क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। 100% मैं रियलाइज करा दूंगा कि एक्चुअली में फेल कैसे करते हैं हम फिजिक्स को, ठीक है। सो लेट्स सी द क्लास, एंड बिफोर टू स्टार्ट द क्लास वन माय ह्यूमन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू इट, ओके। क्या करिए भाई, शेयर तो कर दिया करिए, शेयर किया करिए, जितने भी लाइक कर दिया करिए, ठीक है, अगर इतना मन करता है तो। और अगर आपको कुछ अचीव करना है फिजिक्स में, अगर आपको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप ये सोचना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि फिजिक्स को आसान हम कैसे करें, तो प्लीज क्या करिए, आप हमारे चैनल पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, और 100% है आपको लास्ट तक बनने का फायदा मैं आपको दिलाऊंगा, ठीक है। सो अभी मैंने करंटली वन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको फिनिश किया, सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जितने भी लेक्चर हैं सबको आराम से देखिए, आप इसको एंजॉय करिए और देखिए कितने इजी वे से समझाया गया है, ठीक है। सो इसमें बिफोर टू मैं आपको बता ही दिया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और प्लीज शेयर किया करिए जितनी भी ज्यादा लिंक हो, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं तो मैं आप देखते हैं, अच्छी बात है, आपका तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, मुझे भी कुछ कहते हैं ना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट, अभी मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में नहीं बता रहा हूं, बट अभी जब लेक्चर हमारा फिनिश होने वाला रहेगा तब उसमें आपको लास्ट में मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तब वहां पर आपको हम एक फील्ड देते हैं, ओके। सो इसमें पहले हम डायग्राम को समझते हैं, जो आपका फिगर बना हुआ है, फिगर क्या बता रहा है। तो पहले मैं एक चीज बताता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर। यही बताता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे चार्ज से, ये आपका चार्ज है क्यू, ये क्या है चार्ज क्यू है, और जैसे जैसे यहां से आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। ये तो बात आपको पता चल ही रहा होगा कि जिस चार्ज, ओके स्टूडेंट, कट गया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। तो आई थिंक माइनस कर लियोगे, आपको मैं बता रहा था कि वी कल्ट होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन, कभी कभी हो जाता है कि रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड नहीं होता, फिर से मेहनत करना पड़ता है। वी कल्ट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह था कि आर इंक्रीमेंट करेंगे, वी क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं डायग्राम को, ठीक है। इसलिए डायग्राम में क्या फिगर में ये था, देयर इज अ पॉइंट कैपिटल ओ, देयर इज अ पॉइंट कैपिटल ओ एंड इज अ चार्ज क्यू लोकेटेड, यानी कि पॉइंट ओ पे किसको रखा गया है, चार्ज क्यू को, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, और फिर आगे फिर और जाते हैं डीआर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, बी है, यानी कि पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई डीआर डिस्टेंस, जो कि इसके पहले राइट हुआ था, तो उसको मैंने राइट नहीं किया, आप लोग देख लिया होगा उतना, ठीक है। तो व्हाट एम आई सेइंग, हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए एंड बी के बीच का सेपरेशन कितना है, डीआर है।
अच्छा बताओ किसका पोटेंशियल, देखो अब ये डिस्टेंस कम था, देखो पोटेंशियल ज्यादा हो गया, v कितना v प्लस dv। अब जैसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस dr बढ़ाएं तो dr पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे क्या था v प्लस dv होता, लेकिन dr बढ़ने पर dv क्या हो गया, खत्म हो गया, तो कितना बचेगा v पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल स्टूडेंट बचा v पोटेंशियल, ठीक है ना। हाँ तो अब यहाँ पे v प्लस dv था, यहाँ पे कितना हो गया v हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब एक काम करना है आपको, काम क्या करना है कि चार्ज q नॉट को b से a पे लेकर आओ, कठिन काम नहीं बहुत आसान है, चार्ज q नॉट को b से a पर लेकर आओ, तो वर्क डन टू मूव q नॉट चार्ज फ्रॉम b टू a, तो वर्क डन कर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव क्यों लिया है उसको समझो, बिकॉज भाई प्लस और प्लस 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 क्या करते हैं रिपल करते हैं और अगेंस्ट फोर्स लेते हैं, अगर फोर्स इधर लग रहा है उसको कभी मत लीजिएगा, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो कभी मत लेना, अगेंस्ट फोर्स लिया जाता है ठीक है, अंदर की तरफ उतना ही, तभी तो चार्ज धीरे धीरे लेकर आओगे, धीरे धीरे लेकर आओगे ना। तो चलो लाओ, अच्छा फोर्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा क्यू ई, तो क्यू नॉट ए माइनस डी आर, इसको इधर लेकर आओ तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई माइनस डी आर। ये क्या है द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेंशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा वर्क थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो गया, ठीक क्लियर। नीचे लाओ इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डीआर, ये यहां पे चाहे इसको ऐसे भी ऐड कर दो और चाहे इसको ऐड कर दो, इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, तो यहां पे जो डीबी अपॉन डीआर है इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो चेंजमेंट आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब इसके बारे में बता रहे ठीक है, अभी वेट करिए, अब निगेटिव साइन जो है निगेटिव साइन ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत प्यारा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपको बताया गया अभी कि डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए जाओ पोटेंशियल को हम कम कर देंगे, डिस्टेंस को बढ़ा दोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा, यही था आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में अच्छे समझते हैं ठीक है, सो नोट डाउन इट। तो अब क्या आया था, अभी आया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिलेशन इक्वल टू मार डीवी अपॉन डीआर, तो हमने बताया कि जो आपका डीवी अपॉन डीआर होता है इसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है उसको देखिए ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज, देखो किसमें पोटेंशियल चेंज, किसमें चेंज है पोटेंशियल में और किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर राइट हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यानी कि पोटेंशियल में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो भी चेंजमेंट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और चेंजमेंट कैसे आता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, यही जो चेंजमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात को हम समझते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक प्लेस प्लेट, देखो एक प्लेट लिया यहां पे ये वाला और एक प्लेट यहां पे लिया, ये पॉजिटिव ये क्या है नेगेटिव है, तो पक्का है इसके पास पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल मैंने कितना सपोज कर लिया वी वन, इसका पोटेंशियल कितना सपोज कर लिया वी टू ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, प्लस निकलेगा माइनस पे जाएगा, प्लस निकलेगा माइनस पे, प्लस निकलेगा माइनस पे, तो ये बताओ क्या इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होगा, तो कहोगे सर 100% होगा क्योंकि जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो पोटेंशियल क्यों नहीं होगा जनरेट, पोटेंशियल भी पैदा होगा ओके, पोटेंशियल भी इन प्लेटों के बीच होगा। अब वो पोटेंशियल कितना होगा उसको इसी के टर्म में राइट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लेट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल वी वन माइनस वी टू मैंने कर दिया, इसको राइट कर रिमूव कर देते हैं ओके, चेंज इन पोटेंशियल वी वन माइनस वी टू, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, जिस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को गेट कर रहे हो उनके बीच सेपरेशन कितना है, तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है स्मॉल एयर, तो इक्वल टू क्या हो गया वी वन माइनस वी टू अपॉन स्मॉल एयर,
तो अगर स्टूडेंट में क्या करता हूँ, वी माइनस वी टू को भी सपोज कर लेता हूँ, तो एक कर लू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में सुना होगा ऐसे, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू एम ए क्यू, प्लेट के बीच न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, इक्वल टू वी अपॉन एल। तो आया रहा होगा इक्वल टू क्यू को ई सपोज कर लेते हैं, ई वी अपॉन एम एल। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किया होगा। तो कहां से आता है, वो यहीं से आता है, कहां से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में राइट कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और मिल सकता है, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यानी कि हमारा वोल्टेज चेंज हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल वेरिएट कर रहा है, वेरी कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो आई थिंक मुझे लगता समझ में आया होगा। तो बच्चों इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, फिर इन्हीं की भी जनरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के लीनियर इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, उसके बाद वहां पे न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।